2.5% होता है हमारा मैक्सिमम, 2.5 जितना बिल है उस पे 2.5% में अपना ऐड कर लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं ZipFX, वेलकम टू योर ओन चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद है शकील साहब। बेसिकली इनका काम है जनरल ऑर्डर सप्लायर का। तो ये जनरल ऑर्डर सप्लायर का बिजनेस होता क्या है जो वो सारा इनसे जानते हैं। शकील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शकील भाई जरा मुझे ये बताइए कि आपने ये जनरल ऑर्डर सप्लायर का ये जो काम है ये शुरू कब किया था और क्यों किया था और इस फील्ड में क्यों आए हैं आप? सर ये बिजनेस मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, यानी रिसेंटली 3-4 साल हुए मुझे इस काम में। एक्चुअली मैं पहले बाया था दुबई में, तो मैंने बहुत सारी जॉब्स वगैरह की हैं लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने ये एक्चुअली मुझे मेरे कज़न ने मशवरा दिया कि जनरल ऑर्डर सप्लाई का काम कर लें, हम बैठते हैं गैदरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें उसने मुझे थोड़ा सा बताया, इन्फॉर्मेशन वगैरह दी कि जनरल ऑर्डर सप्लाई के काम में आते हैं। तो जनरल ऑर्डर सप्लाई की फिर कंपनी मैंने बनाई, रजिस्टर्ड करवाई, उसको स्टार मतलब कि स्टार देने के बाद फिर हम जनरल ऑर्डर सप्लाई भी लग गए। फिर ऑफिस में अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बनाई, सब कुछ रिन्यू करने के बाद फिर हम आगे चले, हम इदारों में जाना शुरू कर दिया, एक से एक डायग्नोस्टिक सप्लाई। मोस्टली मैं स्टार्ट जो किया था डायग्नोस्टिक सप्लाई से किया था। ठीक है, अच्छा एक सेकंड मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली जनरल ऑर्डर सप्लाई होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें ईच एंड एवरी थिंग होता है जनरल ऑर्डर सप्लाई के अंदर। आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेट करवाने के बाद ही आप इदारों के अंदर जा सकते हैं। नहीं, ये जनरल ऑर्डर सप्लाई जो है ना, इसमें आप रेनोवेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप सप्लाईज भी दे सकते हैं, आप मतलब कि फर्नीचर से रिलेटेड है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कार्स वगैरह हैं वो, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ये भी आप सही परचेस करके कंपनी को दे सकते हैं। एक कंपनी अगर आपको कोई ऑर्डर वगैरह सप्लाई करती है कि यार हमें ये चीज़ आप बेसिकली कंपनी का मिडल मैन बनते हैं एज अ वेंडर, हम उनके बीच में आते हैं, उनको सप्लाईज देते हैं, पैसा हमारा लगता है, हम कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, तो उसके बाद वो जाके हमें क्या कहते हैं हमसे ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि हमें वो टाइम पे पेमेंट वगैरह करते हैं, हम कैश पेमेंट चीज़ लेते हैं, हम उनको टाइम पे चीज़ देते हैं। अच्छा जैसा कि अभी आपने बताया था कि फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें और कुछ कंस्ट्रक्शन का आपने बताया था, गाड़ी, ये आपके पास पूरी टीम है एक, ये कैसे आप करते हैं कि आप खुद लोकली जाते हैं, कोई टीम है आपके पास? यार मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैंने जब से स्टार्ट किया और अब तक मैं और मेरे एक सीनियर हैं यूसुफ साहब, जिनसे मैंने थोड़ा सा ज्यादातर मेरा वही सामान वगैरह परचेजिंग वगैरह वही करते हैं, सीखा भी मैंने उन्हीं से काम। ठीक है, वही परचेजिंग करते हैं, मार्केट खुद भी जाता हूँ, बाज़ूकार अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मुझे खुद जाना पड़ता है, अगर मुझे रेट समझ नहीं आ रही होती तो फिर भी मुझे खुद ही जाना पड़ता है। ठीक है, पहले मैं उनसे मशवरा करता हूँ, अगर उनके पास चीज़ अवेलेबल है, उनके पास रेट अच्छे हैं तो वो देते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो फिर मैं फिर खुद जाके मार्केट से बाहर। अच्छा मुझे एक ये चीज़ बताइएगा कि क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी जो प्रोडक्ट्स आप सप्लाई करते हो, उसमें क्वालिटी आपको इन्फॉर्मेशन होती है एक अच्छी क्वालिटी है ये इस क्वालिटी का देना है, या आप अपने बजट वगैरह देख के करते हैं या कोई प्रॉफिट देख के करते हैं, कैसे क्वालिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की कोई चीज़ें जब आप देते हैं? यार एक्चुअली ना ये इदारे के ऊपर होता है। अच्छा। इदारा जो चीज़ हमसे ले रहा होता है वो क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करता हमसे, हम जो उसको चीज़ एक दे रहे हैं मतलब उस तरह की हम कुछ कोई भी चीज़ लेते हैं, मतलब कि एक ग्लास भी लेते हैं तो हम उसके लिए क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो क्वालिटी है भी ऐसी कि नहीं है जो उस इदारे को चाहिए, अगर वो क्वालिटी हमें समझ आती है तो हम आगे प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें समझ नहीं आती तो हम नहीं देते किसी को। ठीक है, अच्छा शकील, इसमें कॉपी नहीं चलता, इसमें कॉपी सिस्टम नहीं है कि आप एक दूसरे आज आपने दी ओरिजिनल चीज़ कल आप समझो कि पैसे बचाने के लिए उसी की कॉपी उठा के ले जाओ। अच्छा, इस तरह आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने इदारे को मेंटेन लाजमी रखना होता हर आदमी। ठीक है, अच्छा माशा शकील भाई आपका इतना बड़ा सेटअप आपने बना लिया, आपने जैसे कि बताया कि अकेले किया है सब कुछ, तो ये कैसे आपने यानी कितनी इन्वेस्टमेंट से यह काम शुरू किया, जब पहला प्रोजेक्ट था वो कितनी इन्वेस्टमेंट से था? यार ये उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से मैंने जो स्टार्ट लिया था उस वक्त 3-3.5 लाख रुपए से लिया था। ठीक है, लेकिन जब मेरी पहली सप्लाई गई थी वो गई थी तकरीबन 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए की। ठीक है, मतलब कि उनको हमने मतलब 1 लाख रुपए की परचेजिंग करके मैंने उनको आगे 1.25 लाख रुपए की जो बनती थी एक दस, यानी कि आप एक सर्टेन अमाउंट रखते हैं 3-4% आप टोटल अमाउंट का 4-5% 2.5% होता है हमारा मैक्सिमम, 2.5 बिल है उस पे 2.5% में अपना ऐड कर लेता हूं। अच्छा टोटल, अगर आप बेसिकली काम एक प्रॉफिट इनका व्यूज ऐसा होता है, ये टोटल जो इनका जो बिल बनता है एक कंपनी है जिससे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टोटल बिल के ऊपर ये 2.5% अपनी रखते हैं। तो आपका ये रजिस्टर्ड अदारा है? जी रजिस्टर्ड। किस नेम से? शकील इंटरप्राइज के नाम से। शकील इंटरप्राइज से। अच्छा तो ये आप जैसे कि आपने ये रावलपिंडी में नाजरीन का ऑफिस है चांदनी चौक में, तो इसके अलावा भी कोई ऑफिस वगैरह आपके हैं?
मेरे पे अभी दो ऑफिसेज हैं जो मतलब एक तो स्कूल से रिलेटेड है, जनरल ऑर्डर सप्लाई में मुझे काम मिला था अभी रिसेंटली, मुझे मिला स्कूल यूनिफॉर्म का, फर्नीचर्स का, तो उसके लिए मैंने अब शॉप बनाई है स्कूल से रिलेटेड यूनिफॉर्म की। ठीक है। अच्छा शकील भाई, मुझे अब ये बेसिक क्वेश्चन जो आपने अपने व्यूज के लिए करना है कि इस काम में आने के लिए बंदे को एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा चाहिए या क्या चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए क्या? सर इसमें ताल्लुकात भी मैटर करते हैं, आपके पास पेमेंट भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत स्टार्ट में, आपके पास 1-1.5 लाख रुपया लाजमी होना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको स्टार्ट में ऑर्डर मिले 1-1.5 लाख रुपए का, तो आप मतलब इससे कम पेमेंट आपके पास होगी तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आपने एक दफा ऑर्डर निकलता है तो बस आपको सिर्फ सरप्राइज देनी होती है। ठीक है। तो उस पर आप इतनी पेमेंट पास रखें कि आप अगर कोई मतलब कि एक पेमेंट रख लेंगे 3-1 लाख रुपया मेरे पास होना चाहिए इसके लिए स्टार्ट के लिए। ठीक है। अच्छा शकील भाई ये बताएं कि इस काम में जो आने के लिए जो हमारे जो काफ़ी जो नौजवान हैं वो जिसको ये काम पसंद है वो आने के लिए कोई आप अपनी तरफ को मशवरा वगैरह देना चाहें? कुछ नहीं, बस हार्ड वर्किंग करें, काम निकालें, कॉन्टेक्ट्स निकालें अपने, और जो भी इदारा मिलता है प्राइवेट है गवर्नमेंट है सेक्टर है जहाँ भी मिलता है जाएँ वहाँ पर मिल बात करें, अपनी प्रोफाइल प्रोवाइड करें उनको, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा के आगे चलें, NTN भी हो GST भी आपके पास हो, क्योंकि कुछ इदारे GST पे मोस्टली GST चलता है तो GST पे भी लेके चलो उनको, और NTN पे भी कुछ चलते हैं कि यार वो बैकहेंड से चलते हैं सारे, तो वो बैकहेंड पे ना चलें तो ज़्यादा बेहतर है, GST पे लेके चलें। ठीक है। अच्छा मुझे पेमेंट मेथड बताएं ज़रा, जो आपने एक ऑर्डर ले लिया ज़रा पूरा प्रोसेस बताएं इसका, आप ऑर्डर लेने के बाद सप्लाई करते हैं पैसे कैसे करते हैं, ये क्या ये थोड़ा हमें ज़रा बताइएगा, परचेजिंग करते हैं ये किस यार क्या? वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर के ऊपर हमें ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर के ऊपर देखते हैं कि अब ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आती है, 8 लाख है 9 लाख है 10 लाख है 1 लाख है, उसके मुताबिक फिर हम मार्केट जाते हैं रेट चेक करते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए होती है जो क्वालिटी उनको चाहिए होती है अब वो पहले बता देते हैं यार क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें रिजेक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप सप्लाई तो दे देते हैं, आप पैसा बचाने की खातिर ज़्यादा कमाने की खातिर आप उसको सप्लाई तो दे देते लोकल क्वालिटी की, लेकिन बाद में वो गले पड़ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, आप जाए अच्छी से अच्छी चीज़ परचेज करके दें, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो लेकिन आप उनको सप्लाई अच्छी दें। ठीक है। आपको काम आगे देते रहें, वो आपकी क्वालिटी भी, आप अपनी क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज मत करें। अच्छा, एक प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको एक बिल आता है कि उनको सर्टेन अमाउंट ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप जाके मार्केट में परचेस करते हो, परचेस करने के बाद आपको डिलीवर करते हो, तो ये जो कंपनी आपको पेमेंट करती है वो किस तरह करती है? या इनका भी टाइम होता है, टाइम कंफर्म नहीं होता इनका, कोई 10 दिन में दे देती है, कोई 15 दिन में देती है, हम देते हैं अपना जो हम सब, जब इनको प्रोवाइड कर देते हैं सामान तो हम डिलीवरी चलान दे देते हैं कि हमने आपको ये सामान प्रोवाइड कर दिया, पहले कोटेशन वगैरह जाती हैं, कोटेशन भी एक्सेप्ट होता है, उसके बाद ऑर्डर मिलता है, फिर देन उसके बाद हम जब इनको डिलीवरी कर देते हैं सारी चीज़ों की, ठीक है, डिलीवरी करने के बाद डिलीवरी चलान देते हैं, चलान लेने के बाद उनकी रिसीविंग लेने के बाद वापस आते हैं, फिर हम उनको अपना बिल भेजते हैं कि यार ये सामान इतने का था कि इनको हमने बिल प्रोवाइड कर दिया, अब वो बिल इन पर डिपेंड करता है, वो हफ्ते में दें 10 दिन में दें 15 दिन में दें 20 दिन में, महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लगता है, लेकिन ये है कि वो बाय चेक या कैश दे देते हैं या आपको कैश के थ्रू दे देते हैं, कैश का चेक दे देते हैं, पेमेंट यानी कि मेरा कहने का मतलब क्लियर आपकी हो, क्लियर हो जाती है, पर महीने 1.5 महीने के अंदर ये पेमेंट सारी क्लियर हो जाती है। ठीक है। अच्छा शकील भाई आखिर में कोई आप अपनी तरफ से कुछ बोलना बताना चाहें? सर कुछ भी नहीं, बस ये कहेंगे कि आप जो भी है अपनी मेहनत से काम करें, जितना भी करना है ये नहीं डरे मत, किसी कोई भी काम मिलता है करना लाजमी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।